देखिए, जो परिस्थितियां जिस तरह से गंभीर होती हैं उस तरह से एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन करती हैं। ऐसा लग रहा है कि पटना की स्थिति में एनआईए की आवश्यकता है, तो इसलिए लिया है। एक बात और भी सामने आई है, 21 करोड़ रूपये मिले हैं एक पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के मंत्री के जी पार्थ चटर्जी को अरेस्ट किया, ये कहते हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा दोबारा चला रही है। देखिए, अब हर जगह पे पैसा भी बरामद हो रहा है, पहले से शिकायतें हैं और शिकायतों की जांच चल रही थी और पैसा बरामद हो रहा है, वो अपने आप में अपना प्रूफ दर्शाता है। अभी चूंकि जांच जारी है इसलिए पूर्णतया हम उस पर कोई अपना स्पष्ट वक्तव्य नहीं दे सकते, लेकिन जांच जारी है और जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं, जिस तरह से रिकवरी हो रही है, उससे लग रहा है कुछ न कुछ संदिग्ध जरूर है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, राजनीति से उसका कोई संबंध नहीं।